सवाल उठता है, हमारे जहन में सवाल आता है कि साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या? बेसिकली साइंस क्या है कि साइंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग नॉलेज एंड हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बिलोंग। बेसिकली क्या है कि साइंस एक प्रोसेस है, एक नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बिहेव करते हैं, इस प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं। तो इसमें जो सेकंड वन हमारा टॉपिक आता है वो है साइंटिफिक मेथड। जैसे कि हम, हमारे जहन में सवाल आता है कि सूरज, सूरज क्या है, सूरज के पीछे और उसमें वो रोशनी, उसकी वो तपेश, हीट वो कैसे हासिल करता है, कैसे चीज़ें हैं, ये सारी हमारी क्या है, इस तरीके के हमारे जो जहनों में सवाल आते हैं उससे हम साइंस कहते हैं। अब साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो आता है कि किसी भी साइंस के ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी है, साइंटिफिक मेथड इसे हम कहते हैं। दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये क्या है कि प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व लर्निंग अबाउट द सन। जैसे कि मैंने आप पहले बात की है कि हम सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, अबाउट द सन इज नोन एज साइंटिफिक मेथड, उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिस्ट यूज दिस साइंटिफिक मेथड टू रिसर्च वर्क, और बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं इस मेथड को अपने रिसर्च वर्क में यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अब उन चीज़ों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हमें पहले मसला क्या है हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड वन है मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्वेशन बनानी पड़ती है कि वो चीज़ किस तरीके की है, कैसे काम करती है। सेकेंड वन ये है कि हमें कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है वो है सर, तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सो फोर्थ वन जो आती है फॉर्मिंग द हाइपोथीसिस, हमें हाइपोथीसिस ख्याली ख्याली चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं हाइपोथीसिस। सेकंड वन जो आता है इसमें टेस्टिंग द हाइपोथीसिस, जो हमने हाइपोथीसिस बनाई है उसको हम एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हम हाइपोथीसिस को टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो आती है हम चाहते हैं कि एन एक्सेप्ट हाइपोथीसिस बिकम अ थ्योरी, और अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे जो हाइपोथीसिस हमने जो वर्क किया है वो एक थ्योरी के तौर पर थ्योरी बन जाए, तो इसमें लास्ट वन आ रही है थ्योरी। और जो लास्ट वन आती है जो इसमें है कि फाइंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, अब थ्योरी की जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पर यूज होती है, हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। आज हम अपनी वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से शुरुआत करेंगे।